मानव तथागत बुद्ध को के चरणों में वंदना करते हुए तथागत बुद्ध और उनके धम्म को इस देश में पुनर्स्थापित करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए और उनके छोड़े हुए मिशन को आगे ले जाने का काम करने वाले माननीय कांशीराम साहब को आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर बार बार नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए तमाम साथियों, मंचासीन सभी पार्टियों के अध्यक्षगण, आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय बीपी सिंह जी, माननीय भानु प्रताप सिंह जी, इस गठबंधन के संयोजक मौलाना सुलेमान शेर साहब, डॉक्टर कासिम रसूल इलियासी साहब, इलियास साहब, चौधरी कृष्णपाल जी, भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पीसी कुरियल साहब, इटावा से आए साथी अरविंद जी, गोरखपुर से चलकर आए जेपी यादव जी, मेरठ में अपने तमाम साथियों के साथ आए मुकेश सैनी जी, मंचासीन सभी विद्वजन, सामने बैठे सभी क्रांतिकारी साथियों, माताओं एवं बहनों, मेरठ की क्रांतिकारी धरती पर आज जिस प्रकार से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं और सभी वर्गों के लोग जो इस सरकार से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जो विकास के नाम पर आई सरकार विनाश करने का काम कर रही है, उसके खिलाफ जो ये मोर्चाबंदी है, मैं समझता हूं इस क्रांति की चिंगारी पूरे देश के कोने कोने में जाएगी और इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार को जो ईवीएम मशीन की तकनीकी बेईमानी का लाभ उठाकर देश के कोने कोने पर छा गई है, ऐसी भ्रष्ट भाजपा और उसके एलाइड संगठनों की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। साथियों, अभी मैं तमाम वक्ताओं ने हमारे इस देश की सामाजिक संरचना पर हमसे हो रही चूक के बारे में, हमारे लोगों के संगठित न होने के बारे में तमाम बात की है। मैं समझता हूं भारत के सचेत नागरिक होने के नाते हम सब लोगों का ध्यान उस तरफ आए। अरे इधर आ जाओ ना। साथियों, आज जो सबसे बड़ा खतरा है वो इस देश के संविधान पर खतरा है, इस देश की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उसके ऊपर खतरा है। लोगों ने इन तीन प्रकारें जो सत्ता कब्जाने का काम किया है, वो अपनी भाषा में पूरे देश के अंदर बेशर्मी के साथ मनवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। वो सीधे तौर पर जितना खत्म कर सकते हैं, वो बाबा साहब के संविधान में दिए गए पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को एक तरीके से खत्म करने का काम किया है, लेकिन इस देश के सभी पार्टियों के राजनेता जो हमारे आपके वोट से सत्ता के शिखर पर जाने का काम करते हैं, वो मौन थाम कर बैठे हुए हैं। आज जरूरत है एक नया संगठन खड़ा करने की, जो इस आजादी के
नए आंदोलन को चलाने का काम करे, मनवादी सोच की गिरफ्त में आए हमारे संविधान को मुक्त कराने का काम करे और उसके लिए एक जन आंदोलन खड़ा करने का काम करें। साथियों, आजादी से पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में दबे कुचले मजलूमों की लड़ाई लड़ने का काम किया। उस समय भी वह चाहते थे कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, यह एकजुट होकर के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। लेकिन साथियों, हजारों साल की सामंती व्यवस्था से त्रस्त, हजारों साल से सामाजिक व्यवस्था के उत्पीड़न से त्रस्त पिछड़े वर्गों के लोग उस समय मनवादी झांसे में आ गए और उन्होंने बाबा साहब का साथ नहीं दिया। जो कहने आई हैं इस दुकान में उनका पछतावा, उसका पछतावा मैं समझता हूं आजादी के 40 साल बीतने तक पिछड़े वर्गों को भुगतना पड़ा। बाद में माननीय बीपी सिंह जी की सरकार के समय और माननीय कांसी राम साहब सहित पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति के संगठनों, माइनॉरिटीज के संगठनों और पिछड़े वर्गों के संगठनों के संघर्ष का परिणाम हुआ कि मंडल आयोग लागू होने से पिछड़े वर्गों को कुछ हक हकूक मिलने का काम हुआ। लेकिन साथियों, जैसे ही मंडल आयोग लागू हुआ, जैसे ही उसके तहत पिछड़े वर्गों में हिंदू मुस्लिम पसमांदा जातियों को इकट्ठा अवसर मिलने का काम शुरू हुआ, वैसे ही मनवादी सोच के लोगों के सीने पर शाम लौटना शुरू हो गया और उन्होंने मंडल के खिलाफ कमंडल का आंदोलन खड़ा कर दिया, हमारे लोगों का ध्यान भटकाने का काम शुरू कर दिया। और अब उसके हालात ये हैं कि आज पिछड़े वर्गों के लोग पूरे देश के 70 साल की आजादी के बाद अभी कुल कहते 6-7% भागीदारी देश की नौकरियों में पाए हैं। लेकिन साथियों, फिर मनवादी सोच के लोगों ने पिछड़े वर्गों को भड़काने का काम शुरू कर दिया और यह कहना शुरू किया इनके हिस्से से सारा कुछ का जो हिस्सा है वो यादव समाज के लोग ले जा रहे हैं, कुर्मी समाज के लोग ले जा रहे हैं, जाट समाज के लोग ले जा रहे हैं, यानी एक बार उन्हें पुनः भड़काने का काम शुरू किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के भीतर दलित और महादलित की लड़ाई शुरू कराने की विभिन्न प्रदेशों में काम शुरू किया गया। साथियों, हम सभी लोग समझदार हैं, जब अभी किसी भी वर्ग का, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति का हो और चाहे पिछड़े वर्गों का हो, उनका तय कोटा पूरा ही नहीं हुआ है तो उसमें किसी एक जाति पर, एक वर्ग पर किसी तरह का आरोप लगाने का जो काम है, साथियों, ये मनवादी सोच का सिलसिला है। हम लोगों को एक नई लड़ाई साथ जारी करनी है कि अगर इस देश की आजादी में इस देश के सभी नागरिकों का जैसे हिस्सा है, हम आबादी के अनुपात में इस देश में वोट देते हैं, हम आबादी के अनुपात में इस देश के विकास में भागीदार हैं, हम आबादी के अनुपात में इस देश में टैक्स देने का काम करते हैं, तो साथियों, हमारे सभी वर्गों को आबादी के अनुपात में ही देश के सभी क्षेत्रों में हमको आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। मैं समझता हूं यह जो गठबंधन है यह इस मुद्दे पर एकजुट हुआ है कि हम सभी वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में भागीदारी देने के लिए और उनके हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। साथियों, जैसे पहले कहा जाता था मनवादी व्यवस्था में कि दलितों के पास शिक्षा नहीं होनी चाहिए, धन संपत्ति नहीं होनी चाहिए, साथियों, इस सरकार ने धीरे धीरे करके नोटबंदी के माध्यम से उनका धन छीनने का काम किया, जीएसटी लागू करके उनको रोजगार न देने का काम किया, अब आरक्षण खत्म करके उनका शिक्षित होने का और नौकरियों में जाने का अधिकार छीन रही है और हम लोग बैठकर तमाशा देख रहे हैं। हमारे तमाम साथी जब वोट का समय आता है देख तर्क देते हैं
साहब ये जो छोटी पार्टियां हैं इनके लोग तो जीत ही नहीं रहे थे, हम अपना वोट क्यों खराब करते। दोस्त और दुश्मन की पहचान तो जानवर को भी होती है और हम आप तो मनुष्य हैं। अगर हम यह नहीं जानते कि हम दुश्मन को वोट दे करके जीतते हुए को जीता करके क्या हासिल करने वाले हैं तो उसका हसर आपके सामने है। साथियों यह तय करना होगा एक आंदोलन के माध्यम से, हमारी बहन ने अभी कहा था ये जीत बार बार जो हो रही है वो ईवीएम की जीत हो रही है। तो मेरा तो मानना है देश के सभी सेकुलर दलों को, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, चाहे वो क्षेत्रीय हों और चाहे धार्मिक और राजनैतिक या जाति चेतना के राजनैतिक दल हों, उन सबको एकजुट होकर के एक मंच पर आना पड़ेगा और तब जाकर के आप आरएसएस और बीजेपी के षड्यंत्रों से लड़ने का काम करेंगे। साथियों मैं समझता हूं आज यह जो मंच यहां लगाया गया है या जो एका बना है यह और मजबूत होगा। हम विभिन्न छोटे बड़े दलों के साथ संपर्क करेंगे और एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे ईवीएम के खिलाफ भी और इस देश में एक नई राजनीतिक चेतना के लिए भी। साथियों मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा इस आह्वान के साथ कि सभी वर्गों को आबादी के अनुपात में भागीदारी की लड़ाई अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो इसमें पिछड़े वर्ग के लोग भी, इसमें माइनॉरिटीज के लोग भी, इसमें जो सामान्य वर्ग के लोग जो कहते हैं लोगों के हक और अधिकार के लिए चिंतित हैं वो लोग भी, और इसी के साथ अनुसूचित जनजाति के लोग भी, और महिलाओं को उनकी आबादी के हिसाब से आधी आबादी के हिसाब से 50% भागीदारी की लड़ाई अगर यह लड़ी जाएगी तो मैं समझता हूँ संपूर्ण भारतवर्ष में एक क्रांति की चेतना चलेगी और हम लोग कहते कामयाब होंगे और इस आरएसएस और भाजपा के षड्यंत्र को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथियों जय भीम जय भारत जय नव भूता।